हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। ऑसम का फिर से बहुत बहुत स्वागत है एक और नए ऑसम से क्लैश ऑफ क्लैंस के एपिसोड में। और गाइस, आज का वीडियो सुपर सुपर लिट होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग करने वाले हैं काफ़ी एक इंटरेस्टिंग सा एपिसोड एट टाउन हॉल 14। ओके, तो मेरे को पता है आप लोग उतावले हो रहे हो कि भाई आज क्या है। तो लेट्स बिगिन। सो ब्रोज, आज हम लोग देखो, मैं फिलहाल अगर आप देखोगे तो मैं टाइटन लीग में आ चुका हूँ 4,774 ट्रॉफीज। बट आपको याद होगा कि लास्ट के दो सीजन मैंने थ्रू आउट लेजेंड लीग में बिताए हैं, बट अभी फिलहाल मैं टाइटन लीग में आ चुका हूँ। इसका रीज़न पता है क्या है? लास्ट 2-3 दिन से मैंने मल्टीप्लेयर में टैक्स नहीं किए, मतलब दूसरे अकाउंट्स में मैं थोड़ा बिजी था और दूसरे गेम्स खेलने में थोड़ा सा बिजी था, इसीलिए ज़्यादा मल्टीप्लेयर में मैं टैग नहीं कर पाया। जैसे सीज़न ख़त्म हुआ मैं फटाफट डाउन आ गया। तो आज हम करने क्या वाले हैं, मैं आपको बताता हूँ गाइज। आज हम स्पीड रन करने वाले हैं एट लेजेंड लीग्स, मतलब मुझे 5,000 ट्रॉफीज हिट करने हैं कम से कम टाइम पे। ये एक चैलेंज है। और दूसरी बात रही ये कि जितने अटैक्स मैं 3 स्टार नहीं कर पाऊँगा, मतलब अभी से लेजेंड लीग से पहुँचते जितने अटैक्स मैं 3 स्टार नहीं कर पाऊँगा, चाहे वो टाइम फेल हो, चाहे मेरे ट्रूप्स मर जाए, जो भी हो, उतने गोल्ड पासेस मैं गिव अवे करने वाला हूँ आज के वीडियो में। आप लोगों को पार्टिसिपेट कैसे करना है, कुछ नहीं, बस कमेंट कर देना। बट गिव अवे तब भी होगा जब मैं फेल करूंगा। अगर मैं सारे के सारे ट्रिपल्स कर लेता हूं, मतलब मैं अपने आप को बचा लूंगा। बट फिर भी गाइज, कुछ पासेस हम जरूर गिव अवे करेंगे। बट गाइज, आगे बढ़ने से पहले प्लीज एंड प्लीज आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कैसे कर सकते हो? चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक शेयर करो, एंड उसी के साथ गाइज, कुछ भी इन गेम परचेस करते हो तो एक चुम्मेश्वरी सपोर्ट, क्योंकि आपको पता है गाइज नया सीजन आने वाला है। तो प्लीज फटाफट जाके शॉप में कोड अड्डा जरूर यूज करें, ताकि आपके भाई को थोड़ी हेल्प हो जाए। चलो, अब हम सबसे पहला जो काम करने वाले हैं, हमारी आर्मी पूरी रेडी है। आगे बढ़ने से पहले एक बूस्ट भी लगा लेंगे। सो बूस्ट यहाँ पे लगा लेते हैं हम एक बूस्ट। मुझे यहाँ पे कुछ ऑफर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, चलो। सो हमने काफ़ी सारे बूस्ट यूज़ करने हैं, क्योंकि एक घंटे में तो ये काम होने वाला है नहीं। सो यहाँ पे हमें मिल रहे हैं काफ़ी अच्छे ट्रॉफीज़, एंड उसी के साथ मिल रहे हैं अच्छा डार्क 29 ट्रॉफीज़ मिल रहे हैं, एंड 4,000 के आसपास डार्क मिल रहा है और 6,00,000 के आसपास एलेक्सर मिल रहा है। तो ये हमारा पहला शिकार है आज का, ठीक है। अब आपको, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरे को हर एक बेस ट्रिपल करना है, क्योंकि यही हमारा ड्रिल है और मतलब ऐसे ही काम करेगा ये सीड, ठीक है। तो अभी एम ये है कि इस बेस में हम करेंगे क्या एक्चुअली, ठीक है। ओके, सो ऑल सेट, मैंने प्लान बना लिया है। प्लान ये है कि हम यहाँ पे कर देंगे क्वीन को ड्रॉप, यहाँ कर दूंगा मैं किंग को ड्रॉप। अब मुझे थोड़ी सी दुखी हो रही है कि पहले ही अटैक में मेरा पोपट ना बन जाए और पहले ही अटैक में मैं लूज़ करके एक गोल्ड पास का गुनहगार ना बन जाऊँ अपने लिए। सो इस अटैक में मुझे काफ़ी ध्यान बरतनी पड़ेगी किंग एबिलिटी जैसे ही। ओके, जैसे ही कुछ नहीं, मुझे अभी किंग एबिलिटी यूज़ करनी पड़ेगी। एंड थोड़ा फनल बन रहा है उस साइड ड्रैगन से, तो सारे के सारे ड्रैगन हम अब इस साइड पर ड्रॉप कर देते हैं। गो दोनों के दोनों, ये यहाँ पे ब्लिम, यहाँ पे ये, एंड वार्डन एबिलिटी, ताकि ब्लिम जो है वो सिक्योरली पहुँच जाए टाउन हॉल तक और हम टाउन हॉल को स्नाइप कर ले। सो ये जाएगा यहाँ पे रेज, ये गया टाउन हॉल, ये गया टाउन हॉल, मैंने बोला तो ये गया टाउन हॉल गाइज, एंड एवरीथिंग लुकिंग गुड। यहाँ पे ये, इसको एक फ्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा डैमेज दे रहा है यार, इतना डैमेज मैं सह नहीं पाऊँगा। ओके, सो सब सही चल रहा है। यहाँ पे मैं ड्रॉप कर दूंगा रॉयल चैंपियन, यहाँ पे कर देंगे क्वीन को पॉइजन, एंड अब बैट स्पेल्स शुरू कर दें क्या, क्या बोलते हो गाइज आप लोग? ओके, सो हियर वी गो, चलो बैट स्पेल्स, चलो कम ऑन बैट्स, लेट्स गो गाइज, लेट्स गो। ओके, सो बैट स्पेल्स तो अब पूरी, ओह नो, टोर्नेडो ट्रैप ने यहाँ पे बहुत बड़ा कांड कर दिया है, बहुत बड़ा पोपट हो गया है मेरा यहाँ पे। और जैसे कि आप देख सकते हो गाइस कि काफ़ी सारे बैट्स हमने लूज़ कर दिए हैं कर्टेसी टू द टोर्नेडो ट्रैप। बट अभी भी हमारे पास कुछ बैट्स हैं, कुछ मतलब काफ़ी कम बैट्स हैं। और यहाँ पे हमने आर्चर टार को पता नहीं क्यों फ्रीज़ कर दिया, तो पहले अटैक में मेरा पोपट हो सकता है। यस, बिल्कुल सही सुना आपने, पहले ही अटैक में मेरा पोपट हो सकता है। बट अभी भी मेरे पास मतलब ऑप्शन है बचाने को, अपने आप को बचाने को, तो यहाँ पे मैंने आर्चर स्टॉप कर दिए। टाइम काफ़ी है, अगर ये आर्चर टार निकल जाता है टाइम रहते और मेरी रॉयल चैंपियन बच जाती है, सो ट्रिपल हो सकता है। तो गाइज ये काफ़ी रिस्की था,
बच गया मैं, मतलब इस अटैक में तो बच गया, बट ऐसी गलती अगर मैं करता रहा तो शायद मैं हर बार ना बच पाऊँ। बट अभी भी टेंशन है गाइस, क्योंकि 48 सेकंड्स बस बचे रहे हैं। एंड क्लीनअप अगर आप देखोगे तो टॉप साइड पे अभी भी यहाँ पे तीन स्ट्रक्चर्स हैं जहाँ पे मैंने कुछ डिप्लॉय नहीं किया। रॉयल चैंपियन बॉटम साइड आ चुकी है, आर्चर क्लीनअप में सब अपना पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ओ नो, रॉयल चैंपियन काफ़ी लो एचपी में है, अगर रॉयल चैंपियन को मैंने लूज कर दिया तो ये क्लीनअप जो है वो मिस हो सकता है। 30 सेकंड्स अभी भी हैं। आई डोंट नो यार क्या होने वाला है, हो जाएगा शायद से हो जाए। आउल भी है, हो जाएगा 20 सेकंड्स इनफ है मेरे पास। तो ये अटैक तो हमने काफ़ी मुश्किल से किया, यस काफ़ी मुश्किल से, क्योंकि टाइम की काफ़ी कमी हो गई थी और वहाँ पे काफ़ी सारे बैट्स भी मर गए थे। बट लकीली हमने यहाँ पे ट्रिपल निकाल लिया है और 29 ट्रॉफीज़ को अपने बैग में डाल लिया है। तो 4800 हम रीच कर चुके हैं। अब चलिए फटाफट अपनी आर्मी तो अपनी रेडी है, नेक्स्ट आर्मी को क्वी में डालते हैं एंड सीसी वगैरह सब लेके हमला बोलते हैं। ओके सो गाइज, हमारा पहला फेल अटैक हुआ है यहाँ पे। अगर आप देखोगे तो मैंने 66% वन स्टार किया, सैड मतलब सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम क्रिएट हो गया वो ये है कि वहाँ पे एक स्वीपर था जिसका मैंने ध्यान नहीं दिया और सारे ड्रैगन्स गीगा पॉइजन में आ गए और काफ़ी लो एचपी हो गए। बट कोई नहीं गाइज, मतलब एक गोल्ड पास मैं अभी तक ओ कर रहा हूँ। अब लेट्स सी नेक्स्ट, अभी जब तक मैं नाल लेजेंड पहुँचूँ और कितने अटैक्स मेरे फेल जाते हैं। गाइज एक अटैक मिस करके मुझे काइंड ऑफ ए मिक्स फीलिंग है, मतलब मुझे दुख है कि मैंने एक अटैक मिस किया और मीनवाइल मुझे खुशी भी है कि मैंने एक अपने ऑडियंस को गोल्ड पास जीतने का मौका दिया। ओके 30 ट्रॉफीज ऑन ऑफर एंड वी गो। भाई इस बेस पे तो थोड़ा ओवर किल हो गया, मतलब बहुत ज्यादा मार पड़ी इस बेस को, बहुत ही ज्यादा मार। तो गाइस फिर से एक 30 ट्रॉफी का ऑफर मिला है और अभी आप मेरा थोबड़ा नहीं देख पा रहे होंगे क्योंकि मेरी बैटरी की चार्ज खत्म हो गई है। अब इतना लंबा वीडियो चल गया है, एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था मैं कि इतना लंबा वीडियो खींचेगा, तो अब मैं क्या करूं, मैंने पहले से प्लान नहीं किया था। ओके चलो किंग क्वीन ड्रॉप कर दिया है हमने यहाँ पे एंड यहाँ पे भी धूम मचाते हैं थोड़ा। Hi.
सो गाइज, इट्स सेकेंड टाइम कि मैंने फेल किया है, और इसका मतलब ये है कि अब मैं दो गोल पासेस ओ कर रहा हूँ। एंड लेट्स सी, अभी भी अगर मैं बात करूँ लेजेंड पहुँचने में तो मुझे शायद दो अटैक्स और लग जाएंगे, क्योंकि 45 मोर ट्रॉफीज। लेट्स सी, दो टैक्स पहुंच पाते हैं, बूस्ट भी खत्म हो गया, फटाफट फिर से बूस्ट भी लगाना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले एक परचेज करते हैं अपना बूस्ट, लेट्स गो गाइज। ओके सो गाइज, कैमरा आ चुका है वापस, क्योंकि बैटरी थोड़ी चार्ज कर ली है मैंने। एंड जैसे मैंने बताया आपको, दो गोल्ड पास अभी तक मैं ओ कर रहा हूँ, क्या हम तीसरा गोल्ड पास ओ कर पाएंगे या फिर उससे पहले मैं 5000 ट्रॉफीज पहुंच जाऊंगा, तो ये बेस है। प्लान बड़ा सादा है, क्या करना है ना, यहाँ पे हम करेंगे एक वॉल ब्रेक, परफेक्ट। क्वीन को ड्रॉप करूंगा, किंग को भी यहीं पे ड्रॉप करूंगा, एनिमी रॉयल चैंपियन काफ़ी क्लोज है तो इंगेज करेंगे वहां पे। एंड यहां पे एक ड्रैगन ड्रॉप करूंगा, एंड बाकी का काम करते हैं स्पीड से। सो गाइज, ये तीसरा हो गया यार, ये तो मैं कतई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इस बेस पे हम अटक सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा सारे प्लान्स हमारे अकॉर्डिंग चल रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। बट जैसे कि आपने पहले ही देखा, ब्लिम से टाउन हॉल हम नहीं निकाल पाए, उसकी वजह से काफ़ी सारे ड्रैगन्स ने काफ़ी डैमेज ले लिया, और मैं तभी थोड़ा सोच ही रहा था कि ईगल बच गया, एक स्कैटर बच गया है, मुश्किल हो सकता है बैट्स के लिए। वैसे 82% पे हमने फिनिश किया। तो गाइज, तीन गोल्ड पास अभी तक मैं ओवर कर चुका हूँ आप लोगों के लिए, मतलब नुकसान कोई नहीं, आप लोग मतलब खुशी भी है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि थोड़ा गम क्योंकि अटैक्स फेल हो गए, बट कोई नहीं, मज़ा भी आता है आप लोगों के लिए। अब हम एक और अटैक में फाइनली, क्योंकि 74 ट्रॉफीज हम पहुँच चुके हैं, तो अगर मैं फेल भी करूँ तो भी शायद नहीं, इतना ईजी नहीं होगा, देखते हैं। अब नेक्स्ट अटैक में अगर ना फेल करूँ 5000 कंप्लीट, अगर नेक्स्ट अटैक में फेल करूँ तो एक अटैक और भी लगेगा, एंड फिर दो अटैक्स भी फेल होने के चांसेस हैं, बहुत कुछ होने के चांसेस हैं, लेट्स सी क्या। सो गाइस, परफेक्ट, मतलब मुझे चाहिए 26 ट्रॉफीज 5000 हिट करने में, और यहाँ है 27, मतलब एक ट्रॉफी ज़्यादा है यहाँ पे। लूट डिसेंट, इतना भी टेंशन नहीं है, और ये है बेस कुछ। चलो अब देखो, इस पर अगर हम टाउन हॉल पर ब्लिम ना पहुँचा पाए तो हालत बहुत बुरी होगी, मतलब आपने देखा होगा लास्ट दो अटैक में हमारा क्या हाल हुआ है, वैसे कुछ हाल हो सकता है हमारा। तो इस बार हम थोड़ा सा सेफ खेलेंगे, मतलब ज़्यादा हड़बड़ाएंगे नहीं, आराम से खेलेंगे, ठीक है। तो ये हमने किंग एंड क्वीन को एंट्री करा दी है इस वाले कंपार्टमेंट में। एम हमारा ये है कि यहाँ से हम अपने लून्स को, लून्स नहीं, ड्रैगन्स को ड्रॉप करेंगे, तो थोड़ा फनल पहले सेट कर लेते हैं। सो हियर वी गो, फनल सेट हो चुका है, अब सारे लून्स जाएंगे यहाँ पे, ड्रैगन्स जाएंगे, एंड उसी के साथ जाएगा हमारा ग्रैंड वार्डन, जाएगा हमारा दोनों ड्रैगन राइडर, और थोड़ा वेट करके, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा वेट करके हम यहाँ पे सेंड कर देंगे अपना ब्लिम। तो ये भी हमारा ब्लिम भी आ गया है, वार्डन एबिलिटी, परफेक्ट। अब देखो, इस बार अच्छी बात पता है क्या है, कि कोई भी स्वीपर मेरे ब्लिम को धकेल नहीं रहा है, और एक बार अगर स्वीपर ब्लिम को ना धकेले ना तो टेंशन बहुत कम हो जाता है वहीं पे। तो यहाँ पे मुझे भी काफ़ी कम टेंशन हो रहा है अब कि ये 3 हो जाना चाहिए। लेट्स सी, टाउन हॉल निकल चुका है, विच इज़ अ ग्रेट डील, और मल्टी ड्रैगन्स क्यों आ रहे हैं उस तरफ, प्लान में नहीं था ये तो, चलो कोई नहीं। अब हम ड्रॉप, जैसे ईगल निकलेगा, जैसे ही ईगल निकल जाएगा, क्वीन आ गई है कोर में। ओ नो, क्वीन पे वेट नहीं कर सकता मैं, सॉरी ईगल पे मैं वेट नहीं कर सकता, मैंने को रॉयल चैंपियन यहाँ पे ड्रॉप करना पड़ेगा। आई विल फ्रीज दिस, क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारे फ्रीज स्पेल्स हैं और एक ही कंपार्टमेंट बचा है, तो इतना टेंशन नहीं है। रॉयल चैंपियन, आई थिंक मुझे एक और फ्रीज कर लेना चाहिए यहाँ पे, क्वीन को मैं सर्वाइव कराना चाहता हूँ। ओके परफेक्ट, ये तो ओवर किल था यार। यहाँ पे हम सारे बैट्स ड्रॉप कर देते हैं, अब बस एक विजिट आ रहा है, तीन फ्रीज अभी भी मेरे पास बहुत सारे फ्रीज हैं, तो कोई टेंशन नहीं, आराम से फ्रीज हम खर्च करेंगे। एक और फ्रीज यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ, एक फ्रीज तो हमारा बच गया एक्स्ट्रा, तो अच्छी बात ये रही गाइस कि मुझे और गोल्ड पास का फटका नहीं लगा, वरना और दिक्कत हो जानी थी। एंड हम पहुँच भी गए हैं लेजेंड लीग, मतलब 5000 ट्रॉफी हमने हिट कर लिया है। पता नहीं यार, डेढ़ घंटे से मैं वीडियो बना रहा हूँ, डेढ़ घंटा लग गया मुझे ये पूरा पार्ट रिकॉर्ड करने में, और लगेगा भी क्यों नहीं, इतने सारे टैग्स किए हमने, इतना वेट किया, तो वो तो लगना ही था। बट गाइज, ये जो आप लोगों के लिए इतना एफर्ट डाला है, इसके लिए प्लीज़ एंड प्लीज़ गाइज वीडियो को ज़रूर लाइक करें। एंड ये हम पहुंच चुके हैं लेजेंड लीग 5001 ट्रॉफी, मैं यहाँ पे साइन अप भी कर लेता हूँ लेजेंड लीग पे। एंड डिफेंस पे मैं क्या डालूंगा, ये चलो ठीक है। ओके सो गाइज,
आज के एपिसोड में यही था। आई होप श्योर आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो तीन जो विनर्स हैं जिन्होंने गोल्ड पास जीता है, मतलब जीता तो नहीं है, मतलब तीन गोल्ड पास मैं गिव अवे करूंगा क्योंकि तीन अटैक्स मैंने फेल किए हैं, तो वो विनर मैं कल के वीडियो में डिक्लेयर कर दूंगा, बहुत जल्द जल्द कर दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। आप लोग प्लीज एंड प्लीज कोटाटा जरूर ड्रॉप करें कुछ भी परचेज करने से पहले। मिलता हूँ गाइज तब तक नेक्स्ट वीडियो में। चलिए एज ऑलवेज गाइज, जय हिंद, बाय।